हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू स्टडी सोशल साइंस, अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो विद अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एकेडमिक अरेंजमेंट, बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, इसमें टीचिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, एज वेल एज इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज हैं। बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है ये। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात हम कर रहे हैं, तो सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सोशल साइंस आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में ये नोटिफिकेशन मिलेगी, और वहाँ पे बहुत सारा जो कंटेंट है JKSSB के एग्ज़ाम्स का स्टडी मटेरियल हम वहाँ पे अपलोड डेली करते हैं, या अपलोड हमने कर दिया है, आप वहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ऑफिशियल साइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर एकेडमिक अरेंजमेंट 2021-22 फॉर ऑल कॉन्स्टेंट कॉलेजेस ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू। अगर इसकी मैं फ़ीस की बात करूं तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, आपको जम्मू यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ऑफिशियल साइट पे आपको ये दूसरा पहला ही एडवर्टीजमेंट वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। अलॉन्ग विद 100 रुपीज़ फ़ीस, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये इसमें फ़ीस है, 100 रुपीज़ ओनली, ठीक है। आर इन्वाइटेड फ्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड PTIs और टीचिंग असिस्टेंट ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट इन कॉन्स्टेंट कॉलेज ऑफ द क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू, नेमली GGSM साइंस कॉलेज ऑफ जम्मू। तो ये बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें टीचिंग ये पोजिशंस अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट में वो बायोटेक्नोलॉजी में है, बॉटनी में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डोगरी इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री। फिर यहाँ पे 18 पे होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, म्यूजिकल वोकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैट्स, उर्दू एंड जूलॉजी। सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें यहाँ पे बहुत वैकेंसीज़ हैं और बहुत सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं लास्ट डेट की अभी आपको डेट्स के बारे में भी बताऊंगा। सो अगर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट या स्लेट SLET जो स्टेट लेवल जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या आपके पास PhD विद 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, 50% मार्क्स इन अगर रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर आपके पास 55% मार्क्स है प्लस आपके पास नेट या PhD या सेट है जो JK सेट होता है या आपका किसी और का भी स्टेट का सेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत रेस्पेक्टेबल पोस्ट होती हैं ये। टीचिंग असिस्टेंट की अगर बात करूँ तो इसमें आपको नेट, सेट, PhD की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग सिक्योर 55% मार्क्स, ठीक है। ओनली 55% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन मेरिट वालों के लिए 55% मार्क्स, और कोई नेट PhD इसके लिए ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो NF आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। साथ में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरियन की या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की PTI, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस, इसमें आपको नेट, स्लेट या PhD होना चाहिए विद 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इन कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट्स भी दिए हैं, आपके पास सब्जेक्ट्स MLib होना चाहिए या MPD होना चाहिए, 50% मार्क्स अगर आप कोई रिजर्वेशन से हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है टीचिंग असिस्टेंट के लिए। कोई आपको अगर आप सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपके पास नेट या PhD है, तो आप अप्लाई यहाँ पे दिए हैं MLib होना चाहिए या MPED होना चाहिए। तो अगर हम डेट की बात करें इसमें कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फ्रॉम 30 मई से लेके आपके 13 जून तक इसमें ओपन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म
ऑनलाइन कहाँ से आपको करना है, ये आपको यहाँ पे वेबसाइट दी हुई, आपको यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे जम्मू कॉलेज, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सो आप दोनों में से एक पे क्लिक करके इस पे आपको फॉर्म अपना फिल करना है, अपनी डिटेल्स जो भी है, क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आप 100 रुपीज़ का फी सबमिट करेंगे एंड आपका अप्लाई हो जाएगा। सो डेट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट, आपको 30 मई से लेके 13 जून तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, 13 जून इसकी लास्ट डेट है। अदर कंडीशंस जो है, प्रिंसिपल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस या आप पढ़ लें, इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्राइटेरिया यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो भी यहाँ पे दिया गया है। एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन, आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर 80 सॉरी अगर आपके पास 80% एंड एबो है तो आपको 21, देन 60 वालों को यहाँ पे 60 या लेस देन 80, इनको 19 पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ में अगर आपको अगर 80% है तो आपको 25, और अगर 60 to 80% है आपको 23 पॉइंट्स इसके भी मिलेंगे। साथ में फिर अगर PhD है तो इसमें आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको 60% एबो है। अगर सॉरी अगर MPhil है, PhD है, तो आपको 25 पॉइंट्स इसको मिलेंगे, ठीक है। नेट JRF है तो 10 पॉइंट्स, एंड नेट होगा तो 8 पॉइंट्स, एंड स्लेट या सेट तो 5 पॉइंट्स आपको इसके भी मिलेंगे। सो ये यहाँ पे पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपके जो मार्क्स जो आपको अवार्ड किए जाएंगे वो आपको इस बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अगर सो आप ये चीज़ें देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। रिसर्च पब्लिकेशंस में 6 पॉइंट्स मिलेंगे अब आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके भी वहाँ पे दी हुई है आपको, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, हाउ एवर इफ द अच्छा ये यहाँ पे लेस देन, अगर आपके पास 1 ईयर PhD अभी तक है रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, तो आपकी अकॉर्डिंगली मार्किंग होगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे जो है वैकेंसीज आई हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी सोशल साइंस पे अपलोड कर दिया, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट के लिए। अगर आपके पास नेट सेट या PhD या JRF जो भी है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सबको, आप सब तक ये पहुंच गया होगा, आप इसको अप्लाई करें, इसको देखें, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी इसमें पे स्केल भी ठीक है, ठीक रहता है, और बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, और इसमें एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा तो बहुत ही बड़ी बात होती है। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड